तो हे वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं ये हैंकी रख लेता हूँ। काफ़ी धूप है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बिल्कुल नहीं रख पाया दोस्तों। काफ़ी हवा भी है और धूप भी, अभी छाँव भी आ गई है। तो आज हम जो हमारे गाँव से लेके और पानीपत तक की जो ट्रेन जाती है दोपहर को, फिक्स यहाँ पे दो ट्रेनें आती हैं, एक जींद की तरफ जाती है और एक पानीपत की तरफ। तो आज दिखाते हैं आपको पानीपत की ट्रेन जो हमारे यहाँ से स्टेशन से जाती है, उसका कैसा नज़ारा है, कैसा आपको हरियाणा के गाँव का जो नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रेन किस तरीके से मेंटेनेंस होके चलती है, किस तरीके से अंदर का माहौल है। पूरी वीडियो में बने रहना, मिलते हैं आपको जाता है। और काफ़ी सुनसान है क्योंकि गर्मी है, गेहूँ कटाई का टाइम है, यहाँ पर कोई नहीं दिखता। देखो अभी करीब 10:30 के करीब बजे हैं और अभी यहाँ पे कोई भी सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा। गर्मी में यहाँ पे शहर से भी ज़्यादा हाल हो जाता है कि अंदर चले जाते हैं लोग, धूप में निकलना ही कोई पसंद नहीं करता। और सच में आज काफ़ी तेज़ धूप भी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ये आप छोटा सा देख रहे होगे, ये हमारा टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट मिलती है, मतलब स्टेशन ही कह सकते हो काउंटर तो क्या। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, देख पा रहे हो पीछे आप, ये प्लेटफॉर्म है, छोटा सा एक रूफ है। अभी हम खड़े हैं एक पेड़ के नीचे और पीछे आप देख पा रहे हो कि ये जो है यहाँ से टिकट मिलती है, टिकट काउंटर है। ट्रेन आने में अभी टाइम है थोड़ा सा, तो भीड़ नहीं रहती, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक दो बंदा ही रहता। आज सच में और दिनों के कंपेरिजन काफ़ी कम भीड़ है, देख रहे होगे आप, पीछे कोई नहीं है, दो बंदे पीछे बैठे हैं और इस साइड भी जो है देख रहे होंगे आप, एक ये अंकल हैं और एक इसे आगे दो तीन बैठे हैं, बस इनके अलावा कोई है ही नहीं इधर। तो सच में काफ़ी कम भीड़ है आज, गर्मी भी ज़्यादा हो रखी है ना, और दिनों के मुकाबले आज टेम्परेचर भी ज़्यादा है। यहाँ का भी जो है आज तारीख है 19 अप्रैल और टेम्परेचर जो मैंने देखा था अभी जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले, यहाँ का टेम्परेचर है 30 के करीब, अभी से पहले हो गया है और 11 बज चुके हैं। तो आज दिन का टेम्परेचर भी ये भी हाल है कि काफ़ी रहने वाला है तेज। तो देखते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, तब तक आपको स्टेशन दिखाते हैं, स्टेशन देखना कैसे। अच्छी बात लगती है, जैसे शहर के जो स्टेशन है ना, वहाँ पे एक माहौल होता है कि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है, मतलब आदमी को विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट के भी नहीं खड़े होने देते। लेकिन हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात, देखो पशु भी पीछे जो है भैंस वगैरह छाँव में बंधी हुई है, आराम से अपना मजे कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। स्टेशन मास्टर भी अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं कहता, ये काफ़ी दिनों से बनते हैं यहाँ, ये नहीं कि आज ही है रेगुलरिटी। ये स्टेशन को अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 साल हो गए इस गांव में बने हुए हमारे में, और यहाँ तब से ऐसे ही है, काफ़ी अच्छी बात है। वरना अगर कहीं शहर में होते तो वो घुसने भी नहीं देते, वहाँ के RPF वगैरह फोर्स होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओनली जो स्टेशन का स्टाफ है वो एक स्टेशन मास्टर है जो टिकट काटता है। तो अभी ट्रेन लेट है, देखते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई, अभी तक ट्रेन ही नहीं आई, देखते हैं ट्रेन का वेट करते हैं किस टाइम। ये हमारे यहाँ का हैडपम्प स्टेशन पे, जैसे जिस किसी को पानी पीना है तो यहाँ से ये हाथ से निकालो और पानी पियो। अभी हमें मिल गई है ट्रेन जस्ट, और मतलब शोर ज़्यादा है, आवाज़ मेरी नहीं आ रही होगी, तो तब तक पानीपत स्टेशन पर उतर के आपको मिलते हैं। तो अंदर का नज़ारा देखो आप, तब तक कैसा है, बाहर का व्यू कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ और पानीपत स्टेशन में मिलते हैं। और उसकी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है इन्वायरमेंट यहाँ का होने वाला है, ट्रेन के बाहर का इंजॉय करना आप पूरा।
तो अभी जस्ट हम उतर लिए हैं, अभी करीब ये 1 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन, और अभी पानीपत रेलवे स्टेशन पे हैं, पहुंच चुके हैं। तो होप है आपको जर्नी अच्छी लगी होगी, काफ़ी मज़े आए होंगे, कैसे गांव से होते हुए ट्रेन आती है, मैंने फुल व्यू आपको दिया है। हाँ थोड़ा लंबा या मतलब मीडियम साइज़ का हो सकता है वीडियो, लेकिन कोई नहीं, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो, और काफ़ी गर्मी है इसलिए अभी लोग हमें यहीं एंड करना होगा, वरना आगे का व्यू भी दिखाते आपको। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, वो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।